Hello students, good morning to all. Today I will explain first topic here, cell theory. Students, this theory was proposed by Sladen and Swan in 1839. Rudolf Virchow modified this cell theory. The points of cell theory are given as follows. First point, all living things are made up of cells. सभी living things cells से बने हुए होते हैं. This is the first point of this cell theory. Second point, all cells arise from pre-existing cells. सभी cells पुरानी cells से ही arise होती हैं या उनका जो new cells होती हैं वो पुरानी cells से ही produce होती हैं. ये पॉइंट रूडोल्फ विर्चो ने दिया था. उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा था ओमनिस सेलुला ए सेलुला. इट मींस ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नाउ थर्ड पॉइंट, ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. उन्होंने बताया सभी सेल्स जो होती हैं उनका केमिकल कंपोजिशन बेसिकली सिमिलर होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनके अंदर वो भी सिमिलर ही होती हैं. तो ये तीनों ही पॉइंट सेल थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं. और उन्होंने एक पॉइंट और इसमें जोड़ा था कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इन सेल. So in this way we can learn about the cell theory. Now there are some drawbacks of cell theory. Drawbacks mean जो इनकी cell जो Sladen and Swan ने जो cell theory propose की थी उसको ये oppose करते हैं ये points. जैसे first point, virus are connecting link between living and non-living cannot be explained by cell theory. वायरस एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की कड़ी है, इसे सेल थ्योरी प्रपोज नहीं कर सकती है. सेकेंड, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर एडवांस न्यूक्लियस नहीं होता है. तो ये भी सेल थ्योरी को ये पॉइंट अपोज करता है. थर्ड पॉइंट, सीफ ट्यूब एंड मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस. सीफ ट्यूब और मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है. तो ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जो सेल थ्योरी को अपोज करते हैं. तो यू प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. इफ एनी क्वेश्चन आस्क राइट द ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी देन यू कैन राइट इन एग्जामिनेशन. Now next question here, what are the shape of cells? So strength, shape of cells are determined by cell environment and cell activities. Cell का जो shape होता है वो cell environment और cell activity में निर्भर करता है. Different cell have different shape. अलग अलग cells का जो shape होता है अलग अलग होता है. जैसे example, red blood cell का शेप होता है बाई कॉनकेव. वाइट ब्लड सेल ये इनका शेप जो होता है वो राउंडेड किसी का होता है किसी का इरेगुलर होता है. जो कॉलमर एपिथेलियम का जो शेप होता है वो लॉन्ग और कॉलमर होता है. नर्व सेल शेप इज ब्रांच्ड एंड लॉन्ग. एंड मेजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल एंड ट्रकीड इलांगेटेड. दीज आर द शेप ऑफ डिफरेंट सेल्स. नाउ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ सेल्स. स्ट्रेंथ, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइज. अलग अलग सेल्स का जो साइज होता है वो अलग हो सकता है. एग्जाम्पल, माइक्रोप्लाज्मा साइज इज 0.1 नैनोमीटर. इट इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल. स्ट्रेंथ,
Next, bacterial cell 1.2 micron. Typical eukaryotic cell 10 to 30 micron. Ostrich egg 18 cm, largest animal cell होती है. Nerve cell 1 meter long, longest animal cell. Fiber cell longest plant cell. Acetabularia 10 cm, single largest plant cell होती है. In this way, we can understand about the shape and size of cells with example. So I hope that you have learned these points, cell theory, shape, size, drawbacks of cell theory, you have learned. Now,